guys, welcome back to the channel. I hope all of you guys are doing extremely well. Thank you so much for 800k subscribers on YouTube. Matlab, I cannot believe it that we finally reached such a big number on YouTube. Thank you so much for all the love and all the support jo aap log dikhate ho har bar, and it really means a lot. And also thank you so much for all the lovely birthday wishes jo aapne papa ke liye chode. Dad read those messages and he was very happy. In fact, wo bol rahe the ki unko road pe bhi chalte chalte kuch subscribers mil gaye the who came and took a selfie with him and spoke to him. So he was feeling very शाय, बट उनको बहुत अच्छा लगा. सो थैंक यू सो मच कि आप सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे माँ बाप को भी इतना प्यार दिखाते हो. इट फील्स वेरी स्पेशल. तो प्रेगनेंसी के स्टार्ट से, लाइक आई मीन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के स्टार्ट से, जब से लोगों को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, एक चीज़ मैं बहुत सुनती हूँ वो ये है कि 9 महीने तो प्लीज़ खुश रहना, सिर्फ पॉजिटिव सोचना, अच्छा खाना पीना, सिर्फ अच्छी चीज़ें करना, बिकॉज जो मैं ये 9 महीने में करूँगी बिल्कुल वैसा बच्चा बनेगा. तो इन द स्टार्टिंग आई वॉज फीलिंग प्रेशराइज्ड कि यू नो ओ माई गॉड, अगर मुझे एंग्जाइटी तो फिर बच्चे को भी होगा. But then eventually things turned out for the better and I feel very positive and happy. And अभी आई नो कि मैं इतनी बबली, इतनी मस्ती, इतना खुश रहती हूँ तो बच्चा भी वैसा होगा. और निखिल और मेरी बहन लिटरली कल मुझे बोल रहे थे कि शानिस तेरा बच्चा आइंस्टाइन बन के निकलेगा बाहर, बिकॉज आजकल मैं पहले से वैसी हूँ, आई लाइक टू रीड अलॉट, राइट अलॉट, लर्न न्यू थिंग्स, स्टडी अलॉट. शानिस उनमें से आती है जो कि एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ते हैं और 80 प्लस लेके आते हैं. हाँ, सो आई लाइक टू स्टडी, स्टडीज इज अ गुड थिंग, मुझे इंटरेस्टिंग लगता है. तो आजकल आई थिंक 1 महीने से ज़्यादा हो गया है कि आई एम लर्निंग फ्रेंच, एंड मैं बहुत, मतलब आई थिंक दिन में 1-2 घंटे फ्रेंच सीखती हूँ. इट रियली इंटरेस्ट मी सो मच, अनलाइक द यूकेलेली जिसके लिए मुझे लोग बहुत टॉन्ट करते हैं कि क्या हुआ यूकेलेली नहीं सीखा, बस वैसे ही तुम फ्रेंच भी छोड़ दोगे. बट एक्चुअली यूकेलेली का क्लास आई कुडंट find a teacher who could come home and train me. That's why I couldn't learn it. But eventually, probably after the baby, I will learn this. लेकिन French interests me so much. और कल मैं कुछ और भी सीख रही थी, journaling, journaling. तो मेरी बहन बोलती है, निखिल बोलते हैं, निखिल मुझे बोलता है अच्छा है, पढ़ाई के मामले में बच्चा तेरे ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज विल बी सो गुड कि बच्चा स्मार्ट बनेगा. मेरी बहन बोलती प्लीज़ थोड़ा कम पढ़ाई कर, मुझे टेंशन आया तेरा बच्चा सीधा आइंस्टाइन बन जाए. तो मैं इतनी हंस रही थी ये चीज़ें सुन के. बट व्हाटएवर इट इज़, ये सेकंड ट्राइमेस्टर में जो एनर्जी आती है ना औरतों में प्रेगनेंसी में, लाइक यू फील लाइक यू कैन डू एनीथिंग, यू फील सो नाइस. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यू आर डेड, प्रैक्टिकली यू आर डेड. लाइक फॉर ऑल द गर्ल्स हु वुड लाइक टू नो हाउ द प्रेगनेंसी का बिगनिंग फील्स लाइक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा एक एनर्जी बाकी नहीं रहता बॉडी के अंदर. यू ओनली वांट टू स्लीप. 12 घंटा सो के उठती थी, आफ्टर 2 आवर्स अगेन शी विल फील, शी इज फीलिंग स्लीपी, इरिटेटेड, नेगेटिव, इरिटेटेड, हर जगह पे दर्द, हर जगह पे दर्द. तो वो सारी चीजें हुई थी, मुझसे ज्यादा निखिल को पता है बिकॉज मैंने उसको इतना परेशान किया है. और अभी सेकंड ट्राइमेस्टर में आई एम लाइक आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, यू नो आई फील लाइक सो बबली एंड हैप्पी. तो काफी अच्छा जा रहा है मेरा प्रेगनेंसी. और आप सब लोग इतनी अच्छी अच्छी चीजें बोलते रहते हो मेरे लिए, इतना प्रे करते हो मेरे और मेरी बेबी के लिए, थैंक यू सो मच. तो अभी मुझे करनी है पैकिंग, और हमारे घर के ऊपर 1 महीना के ऊपर हो गया कि बहुत काम चलता है, तो कट कुट 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 आवाज़ आते रहता है सुबह भी जब हम सो रहे होते हैं, तो बीच बीच में नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है. एंड इन प्रेगनेंसी बिकॉज माई टमी इज़ ग्रोइंग नाउ, तो कभी कभी बिकॉज मैं लेफ्ट या राइट करती रहती हूँ अपनी बॉडी को, बिकॉज स्टमक को यू नो बहुत प्रेशर फील होता है, तो ये चीज़ और भी मेरी नींद को डिस्टर्ब करती है. बट इट्स ओके, आई मीन जल्दी ये काम भी ख़त्म हो जाएगा, सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट. उसके अलावा आई हैव टू डू द पैकिंग नाउ बिकॉज वी वर सपोज टू गो ऑन अ वीकेंड ट्रिप. हमेशा हम 1 दिन जाते और वापस आ जाते, कहीं पे भी जाते तो, लेकिन इस बार हम 3 दिन के लिए जा रहे हैं. तो अभी कल निकलने के बदले निखिल ने बोला लेट्स लीव राइट नाउ, बिकॉज निखिल का जो सोने का पैटर्न है वो पूरा, एक्चुअली मेरा भी, उसका क्या, मेरा भी एकदम खराब हो गया है पैटर्न, लेट सोते लेट उठते हैं. तो आज मैंने बोला मैंने सुनाया आवाज, मैं निकल रहा हूँ. ओके, निखिल जा रहा है मम्मी को मिलने के लिए. मैंने कहा तू जा, बिकॉज ये लास्ट मिनट पे इसने बोला कि आज शाम को ही निकलेंगे, तो मैंने बोला पहले जाके मम्मी को मिला. ही इज़ गोइंग टू इन्फॉर्म हर कि हम जा रहे हैं, एंड मैं अपना सारा सामान पैक करूँगी, बिकॉज निखिल का तो ऐसा है कि शानिस तू पैक कर लेना हम दोनों के लिए. सो अभी आई एम पैकिंग, आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्रैवल एंड गो आउट एंड जस्ट बी आउट फॉर 3-4 डेज. बैग पैक हो चुका है, दोनों मेरे और निखिल के कपड़े आ गए इस बैग में. इस बार मैं ये बैग लेके जा रही हूँ बिकॉज मेरा दूसरा जो BMW बाइक वाला बैग है वो थोड़ा भीग चुका है बारिश के पानी की वजह से. सो आई विल टेक दिस वन टुडे, एंड बिकॉज सिर्फ 3 दिन के कपड़े लेके जाने तो इतना ज़्यादा पैकिंग नहीं किया है मैंने, बिकॉज हर बार बहुत कपड़े लेके जाते हैं और कुछ यूज़ नहीं होता. तो इस बार मैं कम ही कपड़े लेके जाती हूँ दिन के हिसाब से, एक्स्ट्रा लेके नहीं जाती. शाम के 6 बज रहे, 6:15 बज रहे हैं. अभी 2-3 घंटे है ट्रिप पे निकलने के लिए, लेकिन उससे पहले मैंने निखिल को बोला वो जैसे ही आ जाएगा वी नीड टू गो टू अ स्टेशनरी शॉप बिकॉज आई नीड टू बाई सम
नाइस स्टेशनरी. आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज मैं अपना जर्नल बहुत अच्छे से आजकल ऐसा सब कुछ जर्नल करती हूँ, तो मुझे अपने जर्नल के लिए कुछ नया स्टेशनरी चाहिए. एंड अभी बाहर जाने से पहले आई एम गोइंग टू जस्ट ट्राई टू मेक माई हेयर लिटल मैनेजेबल. आजकल मेरे बाल बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल हो गए बिकॉज कलर्ड हेयर व्हेन यू ब्लीच इट ये एंड जो है बहुत ड्राई हो जाते हैं, प्लस उसके ऊपर से जो बारिश का मौसम है उसकी वजह से मेरे बाल और भी टैंगल्ड हो जाते हैं. सो इट लुक्स वेरी फ्रिजी एंड ड्राई एंड अनमैनेजेबल ऑल द टाइम. लिटरली आई कैन नॉट लाइक गेट माई फिंगर्स थ्रू इतने सारे, स्पेशली ये वाले पोर्शन में इतने सारे नॉट्स हैं मेरे बालों में. सो इट्स लाइक रियली टैंगल्ड. बट देयर इज वन प्रोडक्ट दैट वर्क्स अमेजिंगली ऑन माई हेयर. इट्स द राइस वंडर वाटर फ्रॉम मामा अर्थ. टैंगल्स योर हेयर इन जस्ट 7 seconds. आपको सिर्फ इसको अपने बालों में स्प्रे करना है अच्छे से. काउंट टू 7 एंड यू आर सॉर्टेड. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. लुक एट दिस, जस्ट लुक एट हाउ ईजिली माई फिंगर्स आर जस्ट रनिंग थ्रू माई हेयर. जस्ट अमेजिंग. मतलब ये इतने अच्छे से काम करता है, कांट टेल यू. लाइक माई हेयर इज ऑल डिटैंगल्ड एंड इट फील्स अमेजिंग. पीछे वाला पोर्शन लाइक इट्स सो स्मूथ राइट नाउ. एंड आई जस्ट कॉम माई हेयर एंड शो यू कि कितने ईजिली मैं अपने टैंगल्ड बालों को इसके बाद कॉम कर सकती हूँ. लुक एट दिस, बिल्कुल भी कोम में अटकते नहीं है. इसके बाद हेयर फील्स सो स्मूथ एंड डिटैंगल्ड एट द मोमेंट. मेरे हेयर का टेक्सचर जो है इंस्टेंटली इम्प्रूव हो जाता है. माई हेयर लुक्स मोर स्मूथ एंड मैनेजेबल राइट नाउ. दिस रिड्यूसेज हेयर फॉल एंड इंक्रीजेज स्ट्रेंथ ऑफ योर हेयर. इसमें केराटीन भी है विच रिड्यूसेज फ्रिज, मैनेजेज योर हेयर एंड ऑल्सो गेट्स द फ्लेक्सिबिलिटी एंड शाइन ऑफ योर हेयर बैक. इसके मेन इन्ग्रीडियंट्स है राइस वाटर विच इज़ लाइक द फर्मेंटेड राइस वाटर विच इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स एंड अमीनो एसिड जो आपके बालों को और हेल्दी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं एंड मेक्स योर हेयर रियली स्मूथ एंड मैनेजेबल. प्लस इट ऑल्सो हैज कैस्टर ऑयल. कैस्टर ऑयल भी आपके बालों को एक्चुअली और थिक और हेल्दी बनाता है. प्रमोट्स healthy and soft hair. So this is just an amazing product. Agar aapke bhi baal unmanageable aur tangled rehte hai har baar, I would challenge you to take up this 7 seconds challenge with the Rice Wonder Water. Iska link will be in the description box below. Aap mera coupon code use kar sakte ho for 20% off at mamaearth.in. Abhi Mama Earth app available hai, so please download the app to get early access to discounts and offers. Band nahi hoga fir. Main itna hi chahiye. Okay. यही सब. अभी जाके मैं सारा ये स्टेशनरी लेके आई हूँ. दीज आर वॉशी टेप्स. बेसिकली आप इनको चिपका सकते हो. यू कैन राइट एनीथिंग यू वांट. एंड दीज आर ब्रश मार्कर्स जो बहुत एक्सपेंसिव है. लाइक वन पेन इज फॉर लाइक 190 rupees. तो उसका पूरा सेट मैंने खरीदा नहीं बिकॉज दे वर वेरी सिमिलर कलर्स इन द सेट. और मेरे को एकदम ऐसा सिंपल सिंपल पीस चाहिए था जिसमें अलग अलग कलर हो. एंड दीज आर सम स्टिकी नोट पैड्स बिकॉज मैंने और भी स्टेशनरी मंगाई है कहीं और से. सो आई डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी राइट नाउ. वी आर ऑल सेट. सारा लगेज गाड़ी में जा चुका है. निकल अपना वेन्यू लाने गया ताकि वो यहाँ पे उसको पार्क कर सके बिकॉज ये पार्किंग अभी खाली हो जाएगी बिकॉज सुबह सुबह रोज़ सुबह हमारी गाड़ी अच्छे से धुलती है यहाँ पे. तो इसके बदले वेन्यू साफ हो जाएगी. ये वेन्यू अगर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा गंदी है फिलहाल, तो वो भी साफ़ हो जाएगी 3-4 दिन जब हम यहाँ पे नहीं हैं. और हैप्पी भाई भी अभी ऑलमोस्ट पहुँच रहे हैं. सो वी शुड बी लीविंग. इट्स 10:00 शार्प आई थिंक. निकलते निकलते वी 10:20, 10:30. काफ़ी लेट हो गया हम लोग को. वी वांट टू लीव एट 9 बट इट्स ओके. एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो आई रियली मिस आर होम. क्योंकि अभी हमारे लिए वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया, इतना हम यूज्ड टू हो गए हमारे घर को कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो आई रियली मिस माय बेडरूम, द हाउस, द बेड, द किचन, एवरीथिंग. पर चलता है, ट्रैवलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ आर लाइफ जो कभी भी मतलब निकाल नहीं सकते हम. सो इट्स ओके, घर को थोड़े दिन मिस कर लेंगे. सो यर्स टू आर ओनली ब्रेक ऑन दिस रोड ट्रिप बिकॉज वी वर सपोज टू ईट एट मैकडोनल्ड्स आगे जो फूड कोर्ट रहता है. बट देन वी रियलाइज कि 10 बजे के बाद महाराष्ट्र में एवरीथिंग गेट शट. तो हमने अच्छा हुआ गूगल पे चेक कर लिया. सो इट सेज मैकडोनल्ड्स शट, फूड कोर्ट शट. तो यहाँ पे वॉशरूम भी है और थोड़ा खाना भी मिल जाएगा. तो यहाँ पे खाने के बाद वील मूव अहेड. सो दैट्स द प्लान फॉर नाउ. कल रात को वी रीच दिस वंडरफुल वेलनेस स्पा एंड रिजॉर्ट. उसके बाद में हम सो गए. आई वॉज वेरी टायर्ड बिकॉज पहुँचते पहुँचते 2:30 रूम में आते आते इट वॉज 3
So I just took a shower and went to sleep. This morning I woke up. The weather here in Nasik is amazing. Yes, by the way, we are in Nasik again. But this time we made a plan that it would be a good, long one, so that we can explore and have more fun. But the weather here is fantastic, and I am completely ready now so that I can go out and have something to eat. I am very hungry. And our room ka tour and everything else, I will give you in the next vlog. So guys, that's it for this video. I hope that you liked this vlog. If you did, don't forget to hit the like button, to subscribe to my channel if you're new here, and I will see you guys in the next one.